हेलो देयर, आज हम प्लांट्स के प्रोटेक्टिव टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे, पर उससे पहले थोड़ा सोचो कि किसी भी चीज को सबसे सिंपल तरीके से कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। अच्छा, ये बताओ कि लोग मोबाइल और कंप्यूटर की स्क्रीन को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। वो गोरिल्ला स्क्रैच ग्लास जैसी चीजें यूज करते हैं, राइट? ये ग्लास स्क्रीन को डैमेज होने से प्रोटेक्ट करता है। तो कुछ भी प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे आसान तरीका है कि उसे कवर कर दे। प्लांट्स भी ऐसा ही कुछ करते हैं। उनके पास भी प्रोटेक्टिव टिश्यूज हैं जो उनकी पूरी बॉडी को कवर करते हैं। प्रोटेक्टिव टिश्यूज में सबसे कॉमन है एपिडर्मिस। एपी का मतलब है ऊपर और डर्म का मतलब है स्किन। एपिडर्मिस प्लांट्स को मैकेनिकल इंजरी से, एक्सेस हीट और कोल्ड से, और बैक्टीरिया फंगाई जैसे पैरासाइट से प्रोटेक्ट करता है। चलिए अब एपिडर्मिस के जनरल कैरेक्टर्स को देखते हैं। एपिडर्मिस में सेल्स बहुत इरेगुलर शेप और साइज के होते हैं, और ये प्लांट्स के बाकी सेल्स के कंपैरिजन में फ्लैट भी हैं। एपिडर्मिस के सेल्स बिना किसी इंटरसेलुलर स्पेस के कॉम्पैक्टली पैक्ड रहते हैं। ये सही भी है, क्योंकि एपिडर्मिस का काम ही प्रोटेक्ट करना है। अब प्रोटेक्टिव कवरिंग के अंदर होल्स थोड़ी ना होने चाहिए, राइट? तो इंटरसेलुलर स्पेस का होना सही आइडिया नहीं है। ऑल्सो एपिडर्मल सेल्स के आउटर और साइड वॉल इनर सेल वॉल के कंपैरिजन में थिक होती है। ये सही भी है, क्योंकि आउटर सेल वॉल सराउंडिंग्स के कॉन्टैक्ट में रहेगी, तो उन्हें थिक होना चाहिए। आपको पता है कि मोबाइल का बैक कवर और स्क्रैच गार्ड एक दूसरे से अलग है, राइट? प्लांट्स में भी अलग अलग तरह के एपिडर्मिस होते हैं। चलिए प्लांट्स के ऊपर के हिस्से से शुरू करते हैं। प्लांट्स के वो पार्ट जो ग्राउंड के ऊपर हवा के कॉन्टैक्ट में रहते हैं, उन्हें एरियल पार्ट्स बोलते हैं। इनमें स्टेम्स, ब्रांचेस, फ्लावर्स, फ्रूट्स और लीव्स आते हैं। एरियल पार्ट्स में एपिडर्मिस सिर्फ यंग स्टेम, यंग ब्रांचेस, फ्लावर्स, फ्रूट्स और लीव्स में होता है। इन एरियल पार्ट्स में एपिडर्मिस के ऊपर एक वैक्सी लेयर होती है, जो क्यूटिन से बनी है। क्यूटिन की इस लेयर को क्यूटिकल बोलते हैं, और इसमें सेल्स नहीं होते हैं। क्या आपने नोटिस किया है कि प्लांट्स पर से वाटर ड्रॉप्स हमेशा फिसल क्यों जाती हैं? Yes, क्योंकि ये वैक्सी लेयर वाटर रेजिस्टेंट होती है। तो इस तरह से ये वैक्सी लेयर वाटर लॉस को रोकती है। ये लेयर प्लांट्स को मैकेनिकल इंजरी और फंगाई और बैक्टीरिया जैसे पैरासाइट से प्रोटेक्ट करने में एपिडर्मिस की हेल्प करती है। अगर हम ट्रॉपिकल प्लांट्स को डेजर्ट प्लांट से कंपेयर करें, तो डेजर्ट प्लांट्स की एपिडर्मिस और क्यूटिकल दोनों थिक होते हैं। ऐसा इसलिए ताकि डेजर्ट प्लांट में ट्रॉपिकल प्लांट से भी कम वाटर लॉस हो। जैसा कि हमें पता है, डेजर्ट में प्लांट्स वाटर लॉस करना अफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं। कभी कभी आपको इन प्लांट्स के एपिडर्मिस पे कुछ हेयरी आउटग्रोथ भी दिखेगी। ये आउटग्रोथ बेसिकली एक हैट की तरह है, जो प्लांट को सनलाइट से प्रोटेक्ट करती है। एरियल पार्ट्स में लीव्स की एपिडर्मिस थोड़ी स्पेशल है। अब लीव्स के दो सरफेस हैं, एक अपर सरफेस और एक लोअर सरफेस। तो इनमें एपिडर्मिस भी दो हैं, एक अपर एपिडर्मिस और दूसरा लोअर एपिडर्मिस। अगर हम लीव्स को पास से देखें, तो हमें एपिडर्मिस में इधर उधर बहुत से पोर्स दिखेंगे। इन पोर्स को स्टोमेटा बोलते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हर एक स्टोमेटा एक पोर, जिसे दो किडनी शेप की सेल्स ने बंद कर रखा है, उनसे मिलके बना है। इन सेल्स को गार्ड सेल्स बोलते हैं। स्टोमेटा के ओपन और क्लोज होने से गैसेस का एक्सचेंज और ट्रांसपिरेशन होता है। तो स्टोमेटा होने की वजह से लीफ में एपिडर्मिस का एडिशनल रोल है। चलिए अब प्लांट्स के अंडरग्राउंड पार्ट्स को देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, रूट्स एपिडर्मिस में कोई वैक्सी कोटिंग नहीं होती है। अब सॉइल में ट्रांसपिरेशन नहीं होता, तो वाटर लॉस भी नहीं होता, इसलिए वैक्सी कोटिंग की कोई जरूरत नहीं है। रूट एपिडर्मल सेल्स में हेयर के जैसे एक्सटेंशंस भी होते हैं, हम इन्हें रूट हेयर्स बोलते हैं। रूट हेयर्स वाटर एब्जॉर्ब करने के लिए सरफेस एरिया बढ़ाते हैं। ये सब एपिडर्मिस के बारे में था। चलिए अब हम दूसरे प्रोटेक्टिव टिश्यू कॉर्क के बारे में डिस्कस करते हैं। उसके लिए हमें बड़े प्लांट्स एक्चुअली एक बड़े वुडी ट्री को देखना होगा। जैसे जैसे प्लांट की ग्रोथ होती जाती है, एपिडर्मिस में कुछ चेंजेस आते हैं। ट्री की एपिडर्मिस मेरिस्टम की लेयर से रिप्लेस हो जाती है। इस मेरिस्टम की लेयर को लैटरल मेरिस्टम बोलते हैं।
लैटरल मेरिस्टम सेल डिविजन करती है और सेल्स की बहुत से लेयर्स बना देती है, जो कि एक केमिकल के डिपॉजिट होने की वजह से डेड हो जाते हैं। डेड सेल्स की सभी लेयर्स को साथ में कॉर्क बोलते हैं। सुबेरिन वो केमिकल है जो सेल्स के आसपास डिपॉजिट हो जाता है। सुबेरिन वाटरप्रूफ है और इसलिए वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है, और बिल्कुल एपिडर्मिस की ही तरह कॉर्क के सेल्स भी टाइटली पैक्ड रहते हैं, जिनमें बिल्कुल भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। तो कॉर्क जो डेड हार्ड सेल्स जिनमें इंटरसेलुलर स्पेस भी नहीं है उनसे बना है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और इन्फेक्शन या इंजरी से भी बचाता है। इसी के साथ प्लांट के प्रोटेक्टिव टिश्यूज का हमारा टूर भी खत्म होता है। चलिए तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा है उसका एक क्विक रिकैप करते हैं। प्लांट्स के प्रोटेक्टिव टिश्यूज प्लांट्स की पूरे सरफेस को कवर करते हैं। एपिडर्मिस सबसे कॉमन प्रोटेक्टिव टिश्यू है। एपिडर्मल सेल्स इरेगुलर शेप और साइज के होते हैं। ये फ्लैट होते हैं और टाइटली पैक्ड होते हैं, जिनमें इंटरसेलुलर स्पेस बिल्कुल नहीं होती। इनके आउटर और साइड वॉल इनर सेल वॉल से थिक होती है। अलग अलग प्लांट्स के पार्ट्स में अलग अलग एपिडर्मिस होते हैं। प्लांट्स के एरियल पार्ट्स में वैक्सी कोटिंग होती है, जिसे क्यूटिकल बोलते हैं। ये प्लांट्स में वाटर लॉस को प्रिवेंट करती है। डेजर्ट प्लांट में थिक क्यूटिकल होती है, क्योंकि उन्हें वाटर लॉस रोकने की और भी ज्यादा जरूरत होती है। लीफ में अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस होते हैं। लीफ में किडनी शेप की गार्ड सेल्स के साथ पोर्स होते हैं, जिन्हें स्टोमेटा बोलते हैं। स्टोमेटा एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करते हैं। रूट्स के एपिडर्मिस में प्रोजेक्शन होते हैं, जो एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया बढ़ाते हैं। इनमें वैक्सी कोटिंग नहीं होती है। ओल्डर प्लांट्स में एपिडर्मिस की जगह कॉर्क होता है, जो डेड सेल्स की लेयर है। आई होप आपने आज कुछ नया सीखा होगा। कीप लर्निंग एंड आई विल सी यू सून।